मालाड में नशे का अवैध कारोबार। मालाड में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इमारत की छत पर नशे का अड्डा चलाया जा रहा है। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस नशे के अड्डे पर कार्यवाही के आदेश दिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी रिश्वतखोरी के लिए यहां नशे का कारोबार करवा रहा है। हालांकि मालाड बीएमसी अहूरा के मालिक के खिलाफ एमआरटीपी कानून के तहत कार्यवाही की नोटिस जारी कर सेटलमेंट कर लिया है, जबकि नोटिस के आधार पर अगले एक महीने में कार्यवाही हो सकती है। इस हुक्का पब की महिला बाउंसर की माने तो राज्य का कोई भी सरकारी महकमा इस अवैध कारोबार को बंद नहीं करा सकता। गनीमत बनी हुई है कि शिकायत करने वाले पत्रकार आसिफ अंसारी को शिकायत वापस लेने के लिए दबाव दिया जा रहा है, दबे शब्दों में धमकाया भी जा रहा है, पर अभी तक पत्रकार पर किसी भी तरह की आंच नहीं आई है। इसके साथ ही मालाड पश्चिम की बांगूर नगर लिंक रोड पुलिस स्टेशन मूक बधिर होकर तमाशा देखने का काम कर रही है। कैसे कोई इमारत की टेरेस पर प्लास्टिक का तालपत्री डालकर सैकड़ों ग्राहकों को बुलाकर रोजाना देर रात के 3 बजे तक हुक्का पब चला सकता है, वह भी मुंबई शहर में, जहां की सुरक्षा व्यवस्था का एशिया में दम भरा जाता हो। यह नजारा मालाड पश्चिम, पद्मानगर, न्यू लिंक रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने ऑनरिस सेरेनिटी नामक इमारत की टेरेस का है। यहां अवैध प्लास्टिक का अति धोखादायक शेड बनवाकर आवरा होटल के नाम से ड्रग्स रहित हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। यहां प्लास्टिक के शेड के भीतर होने वाली दुर्घटना के खतरे को ताक पर रखकर निकोटिन युक्त अलफकर और हुक्का स्टैंड के साथ साथ तंबाकू, सिगड़ी और कोयले का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यहां पुलिस की रेड में निकोटिन के अलावा अलफकर के साथ साथ तंबाकू रहित हुक्के का सामान और मेफोड्रेन यानी एमडी जैसे प्राणघातक ड्रग्स भी मिल सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि हुक्का पार्लर को चलाने वाली यहां की बाउंसर सादिया नामक महिला मुंबई की सबसे बड़ी खबरी है। इसके हुक्का पार्लर में पुलिस भी कार्यवाही करने से बचती है। वहीं मालाड बीएमसी के पद निर्देशित अधिकारी सागर राणे कहते हैं कि कार्यवाही होगी, उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी शिकायतों का हवाला देकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यहां प्लास्टिक के शेड पर कार्यवाही तो दूर की बात, इसके अवैध कारोबार को कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। सादिया ने पत्रकार को फोन करके क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। मैडम मेरे पास डिटेल आई थी, मैंने उसका ये किया अभी अभी आपका क्या, आप देखो आपने कॉल किया, क्या बोले? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जो उसके अंदर आया था जो इलीगल चल रहा था उसके बारे में मैंने ये किया हूँ। अच्छा तो भाई आप एक काम करो, आप मुझे शायद जानते हैं, आप कहाँ पे रहते हो? हाँ मेरी अंधेरी रहते हो ना? हाँ। तो भाई मैं क्या बोल रही हूँ, आप वो जरा ट्विटर ना प्लीज डिलीट करवा दो ना। ट्विटर? हाँ जो ट्वीट आपने किया है ना, हाँ वो जरा डिलीट कर दो ना। उससे डिलीट से क्या होगा, वो तो अभी ऑनलाइन ऊपर चला गया ना, ईमेल भी चला गया ऊपर तक। हाँ नहीं बट कैसे ना, अगर आप डिलीट कर दोगे ना, हाँ, तो आप मेरे पास कल आओ मिलने के लिए। हाँ हाँ पहले अभी प्लीज आप ये जरा डिलीट कर दो और कल आप मेरे होटल पे आओ मिलने के लिए। ठीक है भाई? ठीक है। मेरा नाम शाजिया है भाई। हाँ ठीक है, आप शायद मुझे जानते नहीं हो बट अगर कल आप मिलने आओगे ना मुझसे, तब मुझे पहचान लोगे और ये आपको जो भी मतलब आपको डिटेल जिसने भी दिया है ना, हाँ एक्चुअली उन लोग यहाँ पर पहले पार्टनर थे, तो जो पहले थे ना मतलब 2 साल पहले जो लोग थे ना वो लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो भाई देखो मैं अभी तुम शायद इब्राहिम लोग सब लोगों को जानते होगे, और आपने जिनको डाला है ना वो भाई भी कल मेरे यहाँ पे आके गए। अच्छा। उन्होंने ही मुझे भेजा, मेरे को बोला कि आप आए देखो तुम्हारे यहाँ का ट्वीट हुआ ये वो करके। हाँ। भाई अभी मैं भी समझो तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। हाँ। मैंने अभी अभी भाई मेरे को ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन हुआ है मुझे मेरे नाम पे एग्रीमेंट हुआ है। हाँ। मैंने 10 दिन हुआ है मैंने लेके। अच्छा।
ठीक है भाई, अभी कल क्या हुआ ना, कल रात में एक ट्वीट किया जो कि लड़का हमारे पास आके बैठा भी और उसने बाद में ट्वीट कराया, वो अभी से एक कान कट्टा इन लोग है ना उन लोग का, मैं उन लोगों के एरिया में जाके उन लोगों की मैंने बैंड बजा के आई हूँ, क्योंकि कैसा है ना भाई, इन लोग मेरे से बड़े खबरी नहीं है। मैं आप यकीन नहीं करोगे, मीरा रोड से लेके मेरे को बॉम्बे सेंट्रल तक के सबके सब जानते हैं, शाजिया नाम से कोई भी जानता है मुझे, सब एक एक होटल वाले जानते हैं, सब जानते हैं। तो कल वही मैंने उन लोगों की मांगन छोड़ी कि भाई तुम लोग मेरे से बड़े खबरी नहीं हो जो तुम लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, और मैंने उसको बोला भी कि तेरे को डिलीट नहीं करना है ना, तू मत कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा तेरे को देख लूंगी, क्योंकि भाई कैसा है ना, उनके अच्छे बुरे वक्त पे अपन खड़े हुए साथ में, और अगर अपने साथ ही बैठने वाले अगर अपने साथ नमक हरामी करेंगे तो अच्छी बात है, क्या पता वो गलत बात। आपका नाम क्या है भाई? आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, तो आसिफ भाई जरा थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा सोचो कि तुम्हारी छोटी बहन की जगह है और वैसे तो है तुम्हारी बहन की जगह, अच्छा, पर फिर भी ऐसा सोचो कि हाँ नहीं भाई मेरी एक छोटी बहन है उसकी जगह है ये करके, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम कल मेरे से मिलने के लिए, मैं तुमसे मिलती हूँ, जरा वो ट्वीट डिलीट कर दो ना भाई अभी। ठीक है, अभी कर रहे हो भाई? नहीं मतलब बैठा हुआ जगह तक मुझे में और कंप्यूटर में ऑफिस में जाऊंगा तो कर रहे थे। अभी तक क्या करोगे भाई? करता हूँ थोड़ी देर में। बीएमसी और पुलिस द्वारा यहां कार्यवाही का नहीं होना भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, और दूसरी तरफ साजिया की धमकियां राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेशों की बोलती बंद करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछे जाने पर वह आज भी कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री का कोई खास मखास सरकारी अधिकारी इस अवैध हुक्का पार्लर को चलाने में अहुरा होटल के मालिक का साथ दे रहा है? अगर ऐसा है तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुंबई से आसिफ अंसारी की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।